बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे। आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपनी छोटी सी शॉपिंग के साथ। मैंने किया पर्सों की शॉपिंग, यानी क्लचेस की शॉपिंग। ये मेरे पास एक पहले पीच कलर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ना मैंने एक पिंक लिया स्टाइलो से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इसके अंदर काफ़ी सारे इसके खाने भी हैं और इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है। मैं तो इसमें जो मेरे पास पीच कलर का है ना, मैंने उसे यूज़ भी कर रही हूँ और मैं उसमें काफ़ी चीज़ें रखती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल भी गया दोबारा। एक ये लिया इस दौर मैंने इस टाइप के क्लचेस ज़्यादा लिए हैं, पाउचेस समझें। और एक ये देखिए, इसमें भी बहुत गुंजाइश है। एक जेब, फिर ये, फिर ये देखें, अभी इसके अंदर से चीज़ें मैंने निकाली नहीं। ये देखें, और इसके अंदर एक इसका ये भी इन्होंने दिया हुआ है, डबल दी हुई है कि अगर ये ख़राब हो, ये आपने, ये पूरी है स्मार्ट बैग की तरह बड़ी सारी इसकी साथ। देखें ना, ये बहुत ही बड़ी है। अगर आपने ये यूज़ ना करनी हो, सिर्फ हाथ में लेना हो, तो ये हाथ के लिए भी है। सिर्फ कुछ लोग हाथ में भी यूज़ करते हैं। ये स्टाइलो का है, मुझे बहुत पसंद है। ये भी और ये भी, तीनों। और एक ये बोर्डजान का, ये मेरा बोर्डजान का, ये मैंने पहले लिया हुआ था मगर शेयर मैं आपसे अब कर रही हूँ। ये जो तीन है ना, ये मैंने अब ख़रीदे हैं आज। सॉरी, कैमरा ज़रा सेट नहीं हो रहा। और जो ये वाला है ना, ये मैंने पहले लिया था मगर शेयर आपसे आप करें। देखें तब प्यारा कलर, कितना खूबसूरत है। और एक ये वाला, ईद का मौका है, उस पर बहुत अच्छा लगेगा, फंक्शंस पे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा खूबसूरत है। इसे खोल के भी देखें, इसमें आराम से मोबाइल वगैरह आ जाता है, इसमें टिश्यूज़ पड़े हैं। उम्मीद है आपको मेरी पर्स बहुत अच्छे लगेंगे। इसके बाद मैं आपसे अपनी अफ्तार और सहर की रूटीन शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं बना रही हूँ चिकन विंग्स, पकोड़े, रोल, समोसे, फ्रूट चाट, दही भल्ले। ये तो वैसे भी रेसिपी में है मेरी, वो मैं रोज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये दिखाती हूँ। चिकन विंग्स आज हम बना रहे हैं, चिकन विंग्स, हॉट शॉट विंग्स। तो इसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है वो हैं ये। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, नमक हसबे ज़ायका, रेड चिली क्रश्ड, पेपरिका, रेड चिली क्रश 1 टेबलस्पून, पेपरिका 1 टेबलस्पून, क्योंकि 1 किलो हैं चिकन विंग्स। एक किलो के अंदर 10 चिकन विंग्स बने हैं। अब हम इसमें डालेंगे वॉस्टरशायर सॉस, वॉस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट, ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल ही है वरना सॉसेजेस भी अच्छी खासी उसमें हैं, चलें 1 टेबलस्पून, 1 अंडा और साथ में मैदा। ये बारबेक्यू सॉस, केचप, ये मैं बाद में लगाऊंगी, और वाइट सिरका थोड़ा सा और भी डाल देते हैं।
इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें और आप ये आधा घंटा या 20 मिनट जैसे आपको टाइम मिले कर लें। मैं इसे तकरीबन आधा घंटा घंटा करूँगी, इसे मैं इफ्तार के बाद फ्राई करूँगी। थोड़ा सा और लगा लें इस पर मैदा। इसे ऐसे मिक्स करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाह की बरकत। चलें जी, ये हो गया मैरिनेट। अब इसे हम रखेंगे और अफ्तार के बाद आपके साथ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं अफ्तार भेज रही थी सात अलों के घर। मैं ये रूटीन है कि रोज़ एक हमसाए के घर भेज देती हूँ, बहरहाल आज मेरा दिल है कि दो के घर भेज दूँ। अभी फ़िलहाल एक के घर भेज रही हूँ। ये पापड़ी दे दो बेटा, पापड़ी दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दूसरे घर भी भेज रही हूँ, पहले एक घर भेजी है, अल्लाह कबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब जी अफ्तारी का टाइम हो चुका है। हॉट शॉट की रेसिपी मैं अफ्तारी के बाद देर से ज़रा बनाऊंगी, अभी बच्चे अफ्तार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अफ्तार रेडी हो चुका है। दुआओं का वक्त है, आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह ताला सबकी नेक ख्वाहिशात कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी अब अफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ मिलते हैं रेसिपी बनाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ्तारी के बाद, इतनी अफ्तारी के बाद बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, मैंने बिल्कुल नहीं बनाई अब विंग्स। अब मैं सहरी में विंग्स बना रही हूँ और मैंने व्लॉग भी अभी तक अपना नहीं डाला इसी वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, इसलिए कि मैंने कहा चने की दफ़ा अफ्तारी में रेसिपी बना के आपसे शेयर करके फिर व्लॉग अपना अपलोड करती हूँ। ये अब ऑयल गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं अब विंग्स ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गर्म हो चुका है। चिकन विंग्स जो मैरिनेशन हुई पड़ी थी वो हम सहरी में बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। बहुत जल्दी बन जाते हैं, तकरीबन मैंने 2 बजे रखे हैं बनने के लिए, क्योंकि मैं रात को सहरी के टाइम सहरी करके ही सोती हूँ, रात में नहीं सोती। रमज़ान में 10, 11, 12 वैसे बच जाते हैं, बस फिर थोड़ी देर और होती है तब तभी नहीं चलता, सहरी का टाइम हो जाता है। ये अब बन गए हैं, थोड़ी सी देर और लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेडी हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। अभी इनका एक स्टेप है, अभी एक स्टेप इनका रहता है असल। जो और है वो भी मैं ट्राई कर लूँ एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर एक ही दफ़ा इसके बाकी स्टेप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के केचप और बारबेक्यू सॉस, इन्हें मिक्स कर लेना।
थोड़ा सा नमक, ये ऑप्शनल है आपकी मर्जी आप ऐड करें ना करें। और अब हम इसमें विंग्स को ऐड करते हैं जो हमने विंग्स बनाए हैं। ये हमारे हॉट शॉट विंग्स रेडी। मज़ेदार से अल्हम्दुलिल्लाह हॉट शॉट विंग्स रेडी हो चुके हैं। अभी हम सैरी करेंगे। आज मुझे पता नहीं चला आटा ख़त्म हो चुका था, तो आज बाज़ार से आएंगे नान या पराठे, देखो जो बच्चे पसंद करते हैं उसके साथ हम ये खाएंगे मज़े लेके। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन। अल्लाह हाफिज़।